तो दोस्तों, कैसे लोग 99 रुपीज का डोमेन खरीद के लाखों में बेच रहे हैं। यस गाइस, मैं जानता हूं आप भी इस बारे में बहुत बार सुने होंगे कि इसने इतने का डोमेन खरीदा और इतने रुपए का बेच दिया। तो गाइस, कैसे काम करता है ये फॉर्मूला, क्या होता है, क्या ये डेली का बिजनेस है, मतलब कोई लीगल बिजनेस है, या आप इसको मतलब एक बिजनेस इस बिजनेस के सहारे काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, क्या कैसे होता है, तो ये वीडियो में इसकी बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, क्या हुआ, रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक डोमेन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो डोमेन अवेलेबल नहीं था। तो मैंने बहुत सर्चिंग की, हर उस पे जितने भी साइट्स हैं डोमेन जहाँ से मिलता है सब पे सर्च किया, लेकिन डोमेन जो था हर जगह अवेलेबल नहीं था। लेकिन अभी रिसेंटली इस वीडियो को बनाने से 2 घंटे पहले मुझे एक मेल आता है कि ये डोमेन मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो आप इस डोमेन को मुझसे खरीद सकते हो। और गाइस, आपको एक चीज बताऊं, वो डोमेन मुझे पड़ रहा था 350 रुपए का, और अभी जो उसकी कीमत उसने मुझे बोली, उसने कहा कि 9,000 रुपए में वो मुझे ये डोमेन दे देगा। अगर मुझे इस डोमेन की जरूरत है तो प्लीज मुझे 9,000 रुपए सेंड करो और ये अपना डोमेन ले जाओ। तो मुझे लगा कि ये बात आप लोगों को भी बतानी चाहिए कि ये चीज आप भी कर सकते हो, और कैसे करोगे ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, एग्जाम्पल बहुत सारे, गूगल करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने इतने का डोमेन खरीदा, उतने का बेचा। तो मैं वो सब की बात नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है ये जो यूथ है वो सब जानता है, वो गूगल कर सकता है, तो वो आप गूगल करके पता कर सकते हो। यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे ये चीज को कर सकते हो। तो गाइस देखो, क्या होता है, आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिमाग में लाना पड़ेगा। देखो, सबसे इजी तरीका मैं बताता हूँ इसको करने का। ध्यान रखो कि आपके घर के पास कौन सा स्टार्टअप चल रहा है जो ऑनलाइन में आने वाला है, या कौन से छोटे बिजनेस या लोकल बिजनेस या छोटे शॉप हैं जो ऑनलाइन में आने वाले हैं। ध्यान बस इतना ही रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। और इसके अपडेट के लिए आप कोई भी स्टार्टअप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, अपने लोकल के लिए और नेशनल के लिए भी, और प्लस कोई भी स्टार्टअप साइट्स को डेली एक बार बस देख सकते हो, जहां पर देते हैं वो लोग आर्टिकल देते हैं छोटा मोटा कि ये स्टार्टअप वो स्टार्टअप शुरू हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको नॉलेज रहती है कि ये स्टार्टअप शुरू होने वाला है, या ये होगा, या ये आपका लोकल बिजनेस है जो ऑनलाइन में आना चाहता है। ठीक है, बस इनको आपको ट्रैक करते रहना है कि ये कब ऑनलाइन। जैसे कि मान लो मेरे घर के पास एक कोई दुकान है, ठीक है, वो एक पान की दुकान है, लेकिन मैं जानता हूँ ये जो बंदा है इसका ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है और ये कल को जाके अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन में लाने वाला है। तो मैं क्या करूंगा गाइज, मैं सीधा इसके नाम का, जो भी इसके शॉप का नाम रहेगा, उसका एक डोमेन बुक करके रख लूंगा। गाइज, बुक करके ही रखना है आपको और कुछ नहीं, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा आप इस पे फायदा उठा सकते हो। 300, 400, 500, मतलब 1,000 रुपए के अंदर अंदर आप एक डोमेन बुक कर सकते हो, और जब वो बंदा आता है ऊपर तो आप उसको हजारों या लाखों में वो चीज ऑफर कर सकते हो। मतलब बेसिकली यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव करना पड़ेगा माइंड, स्टार्टअप्स और जो लोकल बिजनेसेस हैं उन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने आसपास, स्कूल कॉलेजेस सब पे। गाइस, अभी बहुत, मतलब पूरा इंडिया भी खाली है, अभी कुछ भी डिजिटलाइज नहीं हुआ है, अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो आप ऐसे करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। और बात रही कि क्या आप इसको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस लेके चल सकते हो, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। गाइस, ये एक साइड बिजनेस है, एक छोटा इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, एक छोटा इन्वेस्टर हो आप, और आपने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है कि इन फ्यूचर उसका रिटर्न बहुत ज्यादा बड़ा हो और करोड़ों में भी होता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स जो है वो गूगल में मौजूद है, आप जैसे ही डालोगे तो आपको पता चलेगा इसने 1,000 का खरीदा, लाखों में बेचा। एक बहुत रिसेंटली का केस मैं बता दूं, एक बच्चे ने दिल्ली में खरीदा था एक डोमेन कुछ 1,000 रुपए में, आई थिंक 1,000 के अंदर अंदर, और उसने उस डोमेन को लाखों रुपए में सेल किया था। तो उसके बाद से ये बहुत ज्यादा हाइप हुआ था ये चीज, और उसके बाद लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। मतलब बेसिकली यही कि लोगों ने डोमेन को खरीद के रखना स्टार्ट कर दिया था और वो उसको सेल आउट करते थे। तो छोटा सा चीज है गाइस, अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, बहुत थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाना है और काफी अच्छा आप इसे गेन कर सकते हो पैसे। तो मैंने भी कुछ डोमेन्स बुक कर लिए हैं, अब आपकी बारी है, आप भी बुक करके रख सकते हो, देखते हैं किसके डोमेन से जैकपॉट निकलता है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज आपके मोबाइल फोन पर मिल सके। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।